भी हमें ज्वाइन किया है साथ साथ शेर मियां दाद साहब ने, जिनका ताल्लुक कवाल बच्चा घराना से है और आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। इनकी कवाली से हम लुत्फ अंदोज़ भी होंगे और मज़ीद इनसे बात भी करते रहेंगे। बड़े सारे अवार्ड्स जो हैं वो हासिल कर चुके हैं। एक अवार्ड ओस्लो नॉर्वे का, इन्हें सिंगर 2011 का भी अवार्ड हासिल किया हुआ है और उसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं इनके साथ मुंसलिक हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम कवाली सुने, इससे पहले हम एक सिलसिला जो है शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक कहानी की शक्ल में आप तक ये बात पहुँचे कि दाता साहब क्यों आए यहाँ लाहौर, बेस्ड किस तरह हुए, उनके क्या करामात हैं, ये सारी कहानी हम सुनेंगे। मगर उससे पहले एक तोहफा है मेरे पास आपके लिए, मेरे लिए भी है। हमारा जो प्रोमो था इस वीक का, उसे देखकर एक साहब जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ, एक ऐसे अकीदतमंद जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा उनको देख के, बहुत अजीब भी लगा। एक ऐसा लगा कि अल्लाह ताला का मौजज़ा है, और जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि मैं बोलूं सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ऐसे बेख्तियार मेरे मुंह से निकला ये अल्फाज सुभान अल्लाह माशाल्लाह, आप देखेंगे तो आपके भी मुंह से और दिल से निकलेगा सुभान अल्लाह। मैं बुलाना चाहूँगी कैसे अकीदतमंद तोहफे मैं कहूँगी उनको जो आपके लिए और मेरे लिए हैं ख़ास। प्लीज़ दावत दीजिए अब्दुल वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक ठाक है वहीद साहब? आपको देख के ना मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं समझती थी सबसे लंबा कद पूरे पाकिस्तान में शायद मेरा ही है, मैं ही जो हूँ बस लंबी हूँ, मगर आपको देखने के बाद तो माशाल्लाह से मतलब समझ ही नहीं आ रही, एक वो समझ बूझ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं कि अच्छा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपने आप को भी कभी छोटा समझूँगी, तो आप देख सकते हैं आपने मुझे छोटा कर दिया भाई। ये तो अल्लाह की देन है जी। अल्लाह की देन है माशाल्लाह। आप के लिए एक तोहफा मैं भी जो है वो देना चाहूँगी, वो इस तरह से कि ये जो सेट है हमारा जी, इस सेट पे आपका जब दिल चाहे आप आए, जो दिल करता है आप करें, आप अकीदतमंद हैं, आप प्यार वाले हैं, आप सबको प्यार बांटने वाले हैं, आज हमारे सेट पर आए हैं, आप जो करना चाहें हमारे सेट पे आपको खुली इजाज़त है, आप आराम से कीजिए, जब आए जाएं आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, आपका जब दिल करे आप इस सेट पे आके जो दिल करे आप करें। ये तो आपकी मोहब्बत की चाहत है। आपने हमारा जब प्रोमो देखा और जब आपने आने की ख्वाहिश की तो क्या दिमाग में क्या आया? जब मुझे पता चला कि आप औलिया इकराम पर अपना शो कर रहे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने चाहा कि आपके प्रोग्राम में शामिल हो जाऊँ और आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनूँ। आप वैसे खुद किनको मानने वाले हैं? सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला की है। क्या बात, अल्लाह ताला को मानना चाहिए। क्या बात है। और उसके बाद औलिया इकराम है, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन्हें भी मानना चाहिए। ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा लाहौर से ताल्लुक है। लाहौर से ताल्लुक है। और आपके घर में सिर्फ आप अकेले ऐसे हैं माशाल्लाह, लंबे लहीम शहीम? पूरे खानदान मेरा अकेला ही कद इतना बड़ा है, बाकी सब नॉर्मल कदम के चढ़े थे। आपकी हाइट क्या है? मेरी 7 फुट 4 इंच है। 7 फुट 4 इंच माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुद 5'9½ हूँ तो मैं एक अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये हाइट, आप खुद सोचें। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 23 है। 23 साल जी, तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं आप, मतलब ये तो मैं आपको बता रही हूँ इतनी सी उम्र में इतना लंबा कद होना ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कि भाई ठीक है, जो और भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनकी एज काफ़ी है, आप तो 23 साल के हैं माशाल्लाह से। ये तो अल्लाह की देन है मुझे, अल्लाह ताला ने, मैं खुशकिस्मत समझूंगा अपने आप को कि अल्लाह ताला ने ये अनमोल तोहफा मुझे दिया और ये सबको दें अल्लाह ताला। क्या बात है, ये मौजज़ा है
अल्लाह का और वही करामात की जो हम बात कर रहे हैं, एक मौजज़ा करामात है अल्लाह ताला का, और चलता फिरता माशाल्लाह। और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे साथ रहेंगे पूरे प्रोग्राम में आप, आपका जो दिल करे मैंने आपको बोला है, ये सेट आपका है, आपको खुली इजाज़त है। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब ज़रा बातचीत का सिलसिला जो था मैंने आपको बताया था कि वो हम थोड़ी सी कहानी की तरह एलैबोरेट करेंगे आपको कि दाता साहब क्यों आए, किस लिए आए, ये सारी बातें जानेंगे हम। हमारे साथ पीर साहब मौजूद हैं। तो पीर साहब, आप भी सूफ़ी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़रा बताइए कि सूफ़ी का मतलब क्या है, सूफ़ी होता क्या है? मतलब एक ऐसा इंसान जो रियाजत और इबादत के बाद जो रब का कुर्ब जो हासिल करे, उसे सूफ़ी कहते हैं। अच्छा, रियाजत का क्या मतलब? रियाजत कैसी? रियाजत ऐसी रियाजत जो इंसान के अंदर जो छुपी कसाफतें हैं उसको दूर कर सके। जी, जैसे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हवाले से प्रोग्राम है। अच्छा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं उसी दरबार में बैठा हूँ और वहीं पे उनकी बात कर रहा हूँ। क्या बात है। और खसूसन इस मलंग को तो देख के मुझे ये लगा कि शायद, और जिस तरह आपने माहौल बनाया जी, यकीनन इसमें मुझे समझाने के लिए भी और लोगों को समझने में भी आसानी होगी। तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मौका पे आप फरमाते हैं कि मट्टी का इंसान बना हुआ है, तो मट्टी कसाफतों से भरी हुई है जी, तो इन कसाफतों को दूर करने के लिए कुछ हमें ऐसा करना है कि नफ्स अम्मारा को हमने मारना है। हमारा वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, एक छोटा सा वक्फा दरकार है। वक्फे के बाद जो है हम इस बात को पूरा कंप्लीट एलैबोरेट करेंगे। रहिएगा हमारे साथ, हम बात करें दाता साहब के ऊपर। छोटा सा वक्फा।